आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया कि जब एथेन की CCl4 में Br2 के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें उत्पाद कौन सा प्राप्त होता है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया, साथ में यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए, हमें बताने की कौन सा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर हमें प्रश्न में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि यहाँ पर अभिक्रिया किस तरह से होगी और हमें कौन सा उत्पाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें अभिक्रिया जो दी गई है इसका हम यहाँ पर समीकरण देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किन किन के बीच अभिक्रिया करानी है, यहाँ पर है एथीन। एथीन को दोस्तों हम जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है हमारा CH2 जो कि दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है CH2। ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमने ले लिया एथीन को। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे, Br2 से कराएंगे CCl4 की उपस्थिति में। तो अब हम इसकी जो क्रिया है वो हम किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारी क्रिया है वो किसकी उपस्थिति में हो रही है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हो रही है। अब दोस्तों हम जानते हैं जब यहाँ पर हमारी क्रिया होगी तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेलोजन के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन था वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित होगा और ये जो हमारा Br समूह है वो एक एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या उत्पाद मिलेगा, यहाँ पर हमें उत्पाद प्राप्त होगा CH2, इसके साथ एक Br का समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो एकल बंध में परिवर्तित होगा, यहाँ पर होगा हमारा CH2, यहाँ पर हमारे एक Br का समूह इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा। इस उत्पाद का नाम क्या है दोस्तों, इसे हम जानते हैं 1,2। अगर मैं इसे पहला कार्बन ले लूं, इसे दूसरा ले लूं, तो यहाँ पर कितने हैं, दो ब्रोमीन समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1,2। दो है तो ये हो जाएगा हमारा डाई ब्रोमो। ठीक है, सभी एकल बंध में है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एथेन, दो कार्बन है तो। ठीक है, तो हम एक कह सकते हैं 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, ये होगा इसका सही नाम। अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहले विकल्प में दिया गया 1,2 डाई ब्रोमो एथेन और यही दोस्तों में उत्पाद के तौर पर प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया 1-bromo-2-chloroethane, ये गलत है। ए और बी दोनों को बोला गया, ये भी गलत है। यहाँ पर ये नाम भी हमें दिया गया जो कि हमारा यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही उत्पाद है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।